हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। भगवान करे हर घर में हो उजाला, आए ना कभी कोई रात काली। हर घर में हो खुशियां, हर घर में हो रोशन दिवाली। सीक्रेट मिस्ट्रीज के पूरे परिवार और फॉलोअर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दिवाली से जुड़ी कई कथाएं प्रचलन में हैं, जो हमें अलग अलग शिक्षाएं भी देती है। किंतु जिस कारण दीपावली का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, उसके सूत्रधार है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम असंख्य लोगों के आराध्य है तथा हमेशा रहेंगे। वे भगवान विष्णु के एकलौते ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपने जीवन काल में आदर्श स्थापित किए। इसलिए ही तो कहा जाता है कि श्री राम चमत्कारों के लिए नहीं अपितु अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम का हिंदू धर्म के मुख्य पर्व दीपावली से क्या संबंध है तथा क्यों लोग उन्हें उस दिन याद करते हैं? आखिर प्रभु श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य तो पापी रावण का अंत करना था। रावण के अंत वाले दिन को हम दशहरा के रूप में आयोजित करते हैं, तो फिर क्यों दीपावली की इतनी महत्ता है? आइए जानते हैं। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था, जिसकी राजधानी लंका में थी। किंतु उसके राक्षस हर जगह पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राही माम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर अपना सातवां अवतार लिया, जो श्री राम के नाम से जाना गया। यह अवतार एक ऐसा अवतार था जिसमें मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया गया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे तथा बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी व हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तित्व थे। उनके गुणों की ख्याति प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा नहीं अपितु भगवान समझने लगी। जब प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी, वह क्षण बस आने ही वाला था। किंतु समय के काल चक्र ने ऐसा चक्र चला कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया व उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। यह वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर दिया गया था। इन 14 वर्षों में उन्हें अपना जीवन केवल वनों में रहकर ही व्यतीत करना था। उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी वन में जाने का निर्णय किया। अगले दिन प्रभु श्री राम रथ में बैठकर जब वन में प्रस्थान करने लगे तो मानो अयोध्या में चीख पुकार मच गई। अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। प्रभु श्री राम के समझाने के पश्चात वे सभी समझ तो गए, लेकिन अब वे लोग उनके साथ वन में ही रहना चाहते थे। अर्थात अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जहां उनके आराध्य श्री राम रहेंगे वे सभी वहीं रहेंगे। कुछ इस प्रकार का स्नेह था प्रजा का प्रभु श्री राम से। किंतु प्रभु श्री राम थे मर्यादा व धैर्य की खान। जब उन्होंने देखा कि प्रजा अब उनकी नहीं सुनेगी व उनके साथ ही चलेगी, तो उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। जब सारी प्रजा रात में सो रही थी, तब वे भोर होने से पूर्व ही लक्ष्मण जी व देवी सीता के साथ वन में निकल गए। प्रात काल जब अयोध्या की प्रजा उठी तो प्रभु श्री राम को वहां नहीं पाकर विलाप करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि श्री राम अपने धर्म का पालन करने हेतु अकेले निकल पड़े हैं। यह देखकर सबकी दृष्टि में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवासी के रूप में एक कठोर जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन भूमि पर सोते, कंदमूल खाते व पूजा पाठ करते। इसी के साथ वे जहां रह रहे थे वहां से उन्होंने राक्षसों का सफाया करना भी शुरू कर दिया तथा एक एक करके
पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि प्रभु श्री राम की कृपा से राक्षस मुक्त हो चुकी थी, किंतु राक्षस राजा लंका में अभी भी जीवित था। प्रभु श्री राम के वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया तथा उन्हें अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से लंका ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने हनुमान जी की सहायता से किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव के साथ मित्रता कर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम ने रावण की राक्षस सेना के साथ युद्ध करने के लिए केवल नीति व नियमों का ही आश्रय लिया। उनके पास हनुमान जी और सुग्रीव की वानरों की सेना थी, जिनके सामने राक्षसों की सेना अति विशाल, भीमकाय व अधिक शक्तिशाली थी। किंतु श्री राम फिर भी विचलित नहीं हुए तथा रावण की सेना के साथ युद्ध किया। एक एक करके प्रभु श्री राम ने रावण के सभी योद्धाओं, भाई पुत्रों इत्यादि का वध कर दिया तथा अंतिम दिन रावण का भी वध हो गया, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। रावण वध के पश्चात आधिकारिक तौर पर श्री राम लंका के राजा थे तथा उन्हें यह पद मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने राज्य स्वीकार करना तो दूर नगर में भी जाना उचित नहीं समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी भी नगर में जाना वर्जित था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लंका पर अधिकार करना नहीं, अपितु अपनी भार्या सीता को सम्मान सहित वापस लाना व राक्षस रावण व उसकी सेना का अंत करना था। तत्पश्चात उन्होंने लंका का राज्य रावण के ही छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्माविलंबी राजा था। रावण वध की सूचना पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उसके आतंक से सभी भयभीत थे। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची व उन्हें पता चला कि उनके आराध्य श्री राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर धरती को पाप मुक्त कर दिया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही अब प्रभु श्री राम के पुनः अयोध्या आने व वहां का राज सिंहासन संभालने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। जिस दिन प्रभु श्री राम को वापस आना था, उस दिन अयोध्या की प्रजा की मानो दिल की धड़कने रुक गई थी। वह पूर्ण अमावस्या की रात थी। उस दिन वर्ष की सबसे काली रात होती है, किंतु अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या को इस प्रकार रोशनी से नहला दिया था कि वह आसमान से भी दिखाई पड़े। 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके आराध्य प्रभु श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो वे राक्षस राजा रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उनकी खुशी भी दुगनी हो गई थी। इस उपलक्ष में उन्होंने अपने घरों, चौराहों, अयोध्या के राजमहल को दीपक की रोशनी से सजा दिया था कि वह अंधेरी रात भी जगमगा उठी थी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि लोग इसे आज तक याद करके प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्योहार पूरे भारत वर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज भी कार्तिक अमावस्या की रात को पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है व सभी लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की महिमा, और इसी वजह से हर साल धूमधाम से मनाया जाता है दीपावली का त्योहार। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे सनातन धर्म की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।